हेलो एवरीवन, हम लोग आज न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो सबसे पहले कुछ हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे, थोड़ा बहुत जो आपको पता भी होगा शायद। जब यूक्लिड एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, उनके टाइम में सबसे बड़ा जो एक कंसेप्ट था ज्योमेट्री के बारे में, तो उनका कंसेप्ट ये था कि उनके जो थॉट्स थे ज्योमेट्री के बारे में, दैट वाज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम समझ लें तो समझ जाएंगे कि उस समय ज्योमेट्री को लोग समझते थे किस नजरिया से। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है, जैसे आप बातें कर रहे हो पॉइंट का, लाइन का, कोई भी सब चीजें है ना, वो उनके एक माइंड में था, एक थॉट्स में था। ये क्या था उनके पास, ये थॉट्स में था, एक आइडिया था। इसका कहीं ना कहीं फिजिकल और कोई एक कंक्रीट एग्जिस्टेंस नहीं था। जो सराउंडिंग में वो लोग देखते थे और उसको जो ऑब्जर्व करते थे, कोई डंडा है तो उन्हें बोल दिया हाँ लाइन की तरह है, कोई राउंड सा चीज दिख गया तो बोल दिया हाँ जी ये सर्कल सा है, कुछ ऐसा चीज। तो उनके पास एक एब्स्ट्रैक्ट था चीजों के बारे में, कंक्रीट उनके पास कुछ उसके बारे में कुछ एक आइडिया नहीं बोल सकते हैं, एक माइंड में चलता था चीजें, ठीक है। लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें जो एरा था यूक्लिड का, उन्होंने ये सब चीजों को समझा और समझकर उन्होंने क्या किया, यूक्लिड ने क्या किया कि ये चीज जो माइंड में चल रहा था, जो आइडिया था जो कंक्रीट नहीं था एग्जिस्टेंस में, उन्होंने इसे क्या किया कि एक कंप्रिहेंसिव, यूक्लिड ने कंप्रिहेंसिव उसको, उस आइडिया को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। किसको करने का कोशिश किया, जैसे अगर हम लोग बात करें पॉइंट, अगर हम बात करें लाइन, अगर हम बात करें इसको प्लेन, या उसको आप सरफेस भी बोल सकते हो, इन चीजों को यूक्लिड ने क्या किया कि कंप्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन दिया, एक्सप्लेनेशन दिया इस आइडिया को, कोशिश किया उन्होंने करने का इसे। और फिर उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे डेवलप करके उन्होंने इसे डिफाइन किया। तो उनके ये सारे बहुत सारे ऐसे कलेक्शन है जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में मेंशन है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग कुछ उनके जो डिफाइंड जो चीज है, जो कंक्रीट रिजल्ट है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट चीज हमारे आज के डेट में, आज का जो ज्योमेट्री है, हमारा मैथ्स है, वो कैसे रिलेटेड है और कैसे उसे इम्पैक्ट डाल रहा है, राइट। तो हमने क्या समझा अभी तक कि यूक्लिड के टाइम में जो लोगों का कंसेप्ट था ज्योमेट्रिक बारे में, वो एब्स्ट्रैक्ट था, यानी उनके माइंड में ही रहते थे, एक थॉट में था, वो आइडिया में था, वो कहीं कंक्रीट नहीं लिखा हुआ नहीं था ना, उसको हम लोग यूटिलाइज उस तरीके से करते थे। यूक्लिड ने क्या किया, उसे एक एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, यूक्लिड ने जो मैथमेटिशियन थे, और उसे एक स्टेटमेंट दिया, उसको डिफाइन करने की कोशिश किया, बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश किया। तो ये कुछ उनके डिफिनेशन है जो उन्होंने दिया है, आप इसे स्टेटमेंट भी कह सकते हो जो दिए गए हैं, कुछ सिलेक्टेड है, ठीक है। और इन सभी चीजों को उन्होंने लिखा है और कोशिश किया है इसे डिफाइन करने का, समझाने का। तो किस तरीके से उन्होंने समझाया है और क्या क्या पॉइंट को उन्होंने डिस्कस किया, हम लोग उस पर देखेंगे। तो पहला चीज है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, उन्होंने ऐसा डिफिनेशन दिया, एक जो पॉइंट है जिसका नो पार्ट होता है। अब जो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, आप प्लीज ध्यान से समझे, आप ये चीज बहुत सिंपल है, आप पहले से जानते हैं, लेकिन इस चीज को समझने से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ इस पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स का। सो ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। नो पार्ट मीन्स, सबसे पहली बात है कि नो पार्ट, तो पार्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। विच हैज नो पार्ट, तो कहीं ना कहीं हमें पार्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले बार क्या बोला गया कि पॉइंट हैज नो पार्ट, तो हमें पार्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो बेसिकली पार्ट क्या होता है, अ पोर्शन ऑफ एरिया, कोई भी एक एरिया है उसका एक पोर्शन होगा, पार्ट तो उसी को बोलते हैं। जब आपने पार्ट को डिफाइन करने की कोशिश किया, तो आपने क्या क्या डिफाइन किया, एरिया को। तो एरिया, अब
पार्ट डिफाइन के लिए एरिया एक नया वर्ड आया। अब एरिया को डिफाइन करने के लिए आपको कुछ और न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो उस समय यूक्लिड ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। उन्होंने किया कि जब इस तरीके से हम लोग डिफाइन करना कोशिश करेंगे तो हर एक चीज को डिफाइन करने के लिए एक नया टर्म्स आएगा। अभी पार्ट डिफाइन किया, फिर एरिया को डिफाइन करेंगे, एरिया को डिफाइन करेंगे कुछ नया टर्म आएगा, एक न्यू टर्म आएगा मैथमेटिकल। इसको डिफाइन करने के लिए एक सेकंड कोई न्यू टर्म आएगा। तो मैथमेटिशियन ने एक डिसीजन लिया और उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसे हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, उसे अनडिफाइंड छोड़ देंगे, उसे हम एज इट इज कंसीडर कर लेंगे। और बेसिकली वो क्या होता है, आपके एक सेंस में एक जो इंट्यूटिव आपकी जो माइंड है उसे समझता है। बात समझे, जैसे अगर मैं पॉइंट बोला तो पॉइंट को डिफाइन करने के लिए पार्ट डिफाइन करना पड़ता, पार्ट को डिफाइन करने के लिए एरिया डिफाइन करना पड़ता। तो इस तरह जैसे पॉइंट है, पॉइंट के बाद जैसे आपको लाइन है, लाइन है, लाइन के बाद जैसे आपका प्लेन है, इसे उन्होंने बोला कि ये सारे चीजों को हम लोग अनडिफाइंड छोड़ देते हैं। ये आपका जो इंट्यूशन है, जो थॉट्स है, जो ब्रेन जो कंसीव कर रहा है, जो कंसीडर कर रहा है, एक जो इसकी माइंड में एक जो पिक्चर बन रहा है, जो समझदारी है, वही इसके लिए सफिशियंट है। तो पॉइंट की अगर बात करें तो पॉइंट को कैसे लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। तो देखा जाए तो डॉट में भी तो कुछ ना कुछ एरिया है, तो कैसे डिफाइन करोगे इसे। इसे हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, एक माइंड में हमें पता है कि पॉइंट मतलब बहुत छोटा से छोटा है, जिसका शायद न के बराबर डायमेंशन हो, डायमेंशन नहीं जिसका है, इस तरह की चीजें हम लोग समझते हैं। तो इस तरह हम उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ जो टर्म्स है उसे अनडिफाइंड ही छोड़ दिया जाए और आपके जो थॉट्स है उस पर छोड़ दिया गया कि वो किस तरीके से होगा, जो हमारे सराउंडिंग में जो चीज अवेलेबल है उसी को लेकर हम लोग समझते हैं कि लाइन है तो ऐसा होगा, पॉइंट है तो बिल्कुल इस तरीके से होगा, प्लेन है तो इस तरीके से होगा, राइट। और इस तरह के जो हमारे पास जो हुए पॉइंट, लाइन और प्लेन, हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड में जो अवेलेबल है चीजें, उसको लेकर हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसा पॉइंट होना चाहिए, कैसा लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इस तीन पॉइंट को अनडिफाइंड छोड़ दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। अ लाइन, अब लाइन आपको तो पता है कैसा होता है, क्या एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन तो करना ही नहीं है, आप समझ रहे हो, आपको कंसीडर है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं है, कोई इसका विड्थ नहीं है, बिल्कुल समझ सकते हो, आई मीन मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एंडलेस इसका है, ठीक है। थर्ड है, द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। इस लाइन का जो एंड है इसको पॉइंट बोलते हैं, ये क्या है, पॉइंट है। ये प्री डिफाइन कहीं ना कहीं आपके माइंड में है। स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अब ये बोल रहा है, ये चीज आप समझ लें, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर जो पॉइंट है ना, सारे ये सारे पॉइंट इवनली है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ पॉइंट है ऐसे करके, मतलब एक पॉइंट ऊपर गया फिर दूसरा कुछ ऊपर है कुछ उससे नीचे, नहीं, ये सारे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस, अब सरफेस आपको पता है सरफेस कैसा हो सकता है, ऐसा, सरफेस मीन्स टू डायमेंशनल। सो सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ, इसका लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन, एज क्या है, ये है ना एज हुआ, ये क्या है, इट सेल्फ अ लाइन है। द प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। अब देखो आप कोई ऐसे सरफेस आप ले लो, अब इसमें सारे के सारे कहीं ना कहीं लाइन इवन ले, देखो कहने का मतलब ये लाइन कुछ ऐसा कर्व हो कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि सरफेस ऊपर कुछ लाइन होगा कुछ नीचे होगा, जो एक सरफेस जो 2D में है ना, तो सारे ये स्ट्रेट लाइन जो है इवनली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। सो
यूक्लिड ने जो भी स्टेटमेंट दिया था, जो डिफिनेशन दिया था और जो ज्योमेट्रिक वर्म में समझाया, उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन किया, तो कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कुछ थे, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया और कहीं ना कहीं सम हाउ यूनिवर्सल वो ट्रूथ थे जो ऑब्जर्व किया था। तो उन सारे चीजों को उन्होंने दो चीज में डिवाइड किया, एक पोस्टुलेट्स और दूसरा एक्सियम। जो अभी अपने स्टेटमेंट ऊपर देखा तो उस तरीके से उन्होंने बहुत सारे दिए थे, उसे डिवाइड किया दो दो पार्ट में, पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम। पोस्टुलेट्स में क्या होता है कि ये स्पेसिफिक ज्योमेट्री में हम लोग इसे स्टडी करते हैं, कंसिडर करते हैं, उसके एक्सम्पन को यूज करते हैं। एक्सियम का क्या डिफरेंस है, ये थ्रू आउट मैथमेटिक्स में हम लोग इसको यूज करते हैं। ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक ये ज्योमेट्री से ही लिंक है, ऐसा कुछ नहीं है, होल मैथमेटिक्स से लिए कंसीडर किया जाता है। तो हम लोग कुछ इनके पोस्टुलेट्स और एक्सियम को देखेंगे, क्या क्या इन्होंने दिया है, उसका मीनिंग क्या है। अब यहां पर कुछ एक्सियम्स हैं इनके जो गिवन है, हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से है। फर्स्ट, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे कि सपोज आप ऐसा कर सकते हो, एक ए है, ए है, ये एक्स के बराबर है, और कोई एक है बी है जो एक्स के बराबर है। तो यहां पर ये बोलता जा रहा है कि ए और बी बराबर हूं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। दूसरा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। अब सपोज हमारे पास एक है ए इक्वल टू बी और मेरे पास है एक एक्स इक्वल टू वाई। अगर इसको इसमें ऐड कर दें, इसको इसमें ऐड कर दें, यानी कि a प्लस एक्स और क्या होगा, ये बराबर b प्लस वाई। टू इक्वल्स है, दो इक्वल्स को ऐड करते हैं तो होल आपस में बराबर होंगे। इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल्स। सेम इस चीज को आप कंसीडर कर लो, a माइनस एक्स क्या होगा, b माइनस वाई के बराबर। थिंग्स विच कंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब ये बात को समझो, कंसाइड मीन्स आइडेंटिकल। अब इसको एग्जाम्पल जैसे आपको बोल दूं, दो क्वाइन, एक का सिक्का अगर सेम हो वन रुपीज का, आइडेंटिकल दिखते हैं ना, कंसाइड करता है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। पार्ले जी का बिस्किट ले लो, अब उसको बिल्कुल डिटेल मत जाना कि इसके रैपर इधर है उधर है। पार्ले का बिस्कुट ले लो, बिस्किट लेने पर क्या है, दोनों का पैकेट वो सेम दिखता है, कहीं के कंसाइड करता है तो आपस में इक्वल है। कोई सर्कल ले लो जिसका रेडियस 2 cm है, इसका भी 2 cm है, आपस में कंसाइड है, आइडेंटिकल है, तो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब सपोज करो कि फिक्स नंबर हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं होल, बाय द वे एक ए एक नंबर है कोई, ठीक है, और उसका एक पार्ट है बी, क्या है, पार्ट है बी। तो ये तो श्योर है कि ए हमेशा बड़ा होगा बी से, और बी में अगर कुछ कुछ पार्ट जो बचा होगा वो सी उसको मान लेते हैं, तो बी में कुछ भी जोड़ेंगे तभी तो वो कंप्लीट हो सकता है, यानी कि ए इक्वल टू बी प्लस सी, कुछ ऐसा है, यही तो बोल रहा है द होल इज ग्रेटर देन। तो कुछ ये पार्ट ऐड होगा तो डिफरेंटली है ना, कि ये क्या होगा, बड़ा होगा। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। अब सिक्स नंबर देखते हैं हम लोग क्या है, बोल रहा है कि कोई भी एक चीज है, सो मान लो कि एक ग्लास ये पानी है, मान लो ये हाफ ग्लास पानी है ना, इसको 2 times मैंने कर दिया और क्या किया कि एक बड़ा सा बॉटल में डाल दिया, ठीक है, 2 times सपोज यहां तक कुछ फिल कर गया ग्लास में जो हाफ वाटर, इसको 2 times करके इसमें डाला। अब फिर मैंने क्या किया कि 2 times सेम ग्लास है, ठीक है,
और पानी भी इक्वल ही है ऐसे ही हाफ। इसको एक बॉल लिया, उसमें डाल दिया कुछ ऐसे, तो अमाउंट ऑफ जो वाटर है ना दोनों का, ये क्या होगा? इक्वल होगा। अब इसको मैथ में आप ऐसे समझ लो, सपोज ऐसे एक्स है, इसका टू टाइम्स आपका कोई ए है, इसका कोई टू टाइम्स बी है, तो ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। सेवन क्या? थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सिमिलर है ना, सपोज एक्स है उसका हाफ है ए, और एक से उसका हाफ है बी, तो बेसिकली क्या हुआ? इक्वल टू बी। यूक्लिड ने एक पोस्टुलेट दिया था, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। इंपॉर्टेंट बस सुनना है यहां पर, मे बी, आपने तो यही माइंड में होगा ना पढ़ते हुए कि नहीं नहीं डेफिनेटली होगा, यहां क्या है? मे बी। लेकिन इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं, ये कहना चाह रहा है कि किसी भी दो पॉइंट से, दो पॉइंट है ना, स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन, कोई जरूरी नहीं है कि ड्रॉन हो, लेकिन यूक्लिड जब एक्सप्लेन किया इन चीजों को तो उन्होंने ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया था कि एक से ज्यादा भी हो सकता है, कहीं ना कहीं उनका इनडायरेक्ट रूप में मैसेज था कि यूनिक, इनडायरेक्ट रूप में कि यूनिक ही टू पॉइंट से एक लाइन मूव करेगा। ठीक है, अब हम लोग एक्सियम की तरफ आते हैं। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। एक्सियम बोल रहा है कि किसी भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन, और वो भी यूनिक, ऐसा कोई और दूसरा नहीं होगा, ये यूनिक लाइन है। सपोज एक पॉइंट ए और बी दिया हुआ है यहां पर, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इससे एक यूनिक लाइन ड्रॉ होंगे, इसे पास थ्रू होगा, उन्होंने ऐसा दिया एक्सियम। ओके, अब देखो आप, अगर मैं इस पॉइंट को ए रखूं और इसको ऐसे बी, तो अगर यहां से अगर लाइन की बात करूं तो आप तो मल्टीपल लाइन क्रॉस करवा सकते हो जितनी आपकी मर्जी। देखो आप जितनी मर्जी, लेकिन आप ध्यान रखो कि एक ऐसे लाइन होगा जो सिर्फ और सिर्फ ए बी से पास करेगा। सपोज इस लाइन का नेम एल हो गया, एल छोड़कर और कोई ऐसा लाइन नहीं होगा जो ए बी से पास हो, दो ये दिस पर्टिकुलर टू पॉइंट्स ए एंड बी के लिए। एक अनदर पोस्टुलेट है, उसमें कहा गया कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। कोई एक लाइन है जो टर्मिनेटेड लाइन है, यानी कि एक लाइन सेगमेंट की बात की जा रही है यहां पर, इसको हम लोग कहीं भी दोनों साइड प्रोड्यूस इनडेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग यहां पर पोस्टुलेट नंबर थ्री देखेंगे। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब सिंपल सी बात है कि किसी भी सेंटर से लेकर किसी का पर्टिकुलर है आप लोग अब ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज थर्ड, फोर्थ, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब सपोज हमने एक स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर है, सपोज आप मान लो ये क्या है 90 डिग्री, आपको पता है। अगर सपोज कोई रेक्टेंगल लिया, इसके भी क्या है 90, तो ये जो सारे है ना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90, ये इक्वल है एक दूसरे के। जो पोस्टुलेट फिफ्थ नंबर है, फाइव है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो क्या है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस
मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, एक स्ट्रेट लाइन है किसी दो स्ट्रेट लाइन पर फॉल कर रहा है, दो स्ट्रेट लाइन है कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसे सपोज फॉल कर रहा है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड जो भी है, ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स मीन्स 90 प्लस 90, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इनडिफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स लेस देन टू राइट एंगल्स। तो यहां पर कह रहा है कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल, यानी कि यदि कोई ये एक लाइन है, एक दो स्ट्रेट लाइन है, ये इस पर फॉल करता है, तो यदि किसी भी एक साइड की इंटीरियर, यानी कि अगर एंगल वन, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर, तो जिस तरफ दो इंटीरियर एंगल का सम, यदि एंगल वन प्लस एंगल टू यदि लेस देन 180 डिग्री है, तो ये साइड के जो दो लाइन है इसको अगर एक्सटेंड हम लोग करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को मीट करेगा, एक पॉइंट पर क्रॉस करेगा। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं मीट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है और आगे इसके बहुत इश्यूज भी होंगे, मतलब फर्दर और देखते हैं। हम एक्सरसाइज देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड, जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। सपोज यहां पर एक्सरसाइज 5.1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। वन, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ये फॉल्स है ना, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से तो जितने मर्जी आप करवा लो। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ऐसा तो है नहीं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिंगल यूनिक, ये भी क्या है, फॉल्स है। और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनेटली ऑन बोथ साइड, ये ट्रू है। टर्मिनेटेड लाइन मीन्स क्या, वो एक लाइन सेगमेंट है, इसको आप इनडिफिनेटली आप प्रोड्यूस कर सकते हो बोथ साइड। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, टू सर्कल्स आर इक्वल मीन्स कोइंसाइड कर रहा है, आइडेंटिकल है। तो सपोज एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, दोनों आइडेंटिकल यदि है तो ऑब्वियस सी बात है इसके रेडियस सेम होंगे, सारे कुछ सेम होंगे कोइंसाइड किए तो। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 5.9 AB, AB इक्वल टू PQ एंड PQ इक्वल टू XY, देन AB इक्वल टू XY। अपनी प्रॉपर्टी पहले पढ़ा है, आप देखा हो कि जो उन्होंने डिफाइन किया था पोस्टुलेट में कि टू थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, टू थिंग्स आपस में इक्वल होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी से आप आराम से बोल सकते हो कि यदि ए बी इक्वल टू पी क्यू है एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, सो ए बी इक्वल टू एक्स वाई, दिस इज ट्रू। ओके, फोर्थ मोर क्वेश्चन है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, सपोज मेरे पास ए है और ये बी है, टू पॉइंट है, सी कहीं लाइज करता है बिटवीन, सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी जो है बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो ए बी बेसिकली क्या है, ए सी प्लस बी सी, और ए सी क्या है हमारे पास, ए सी हमारा क्या है, बी सी के बराबर है। तो आप इसको सिंपल ए सी बी सी को ए सी के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ए सी ए बी, ठीक है। सो ए बी इक्वल टू टू ए सी, सो ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, राइट।
यहाँ क्वेश्चन है कि इन फिगर 5.10 एक फिगर दिया हुआ है, इसमें है एक स्ट्रेट लाइन है, यहां से चार पॉइंट है, उसी लाइन पर क्या है एसी इक्वल टू बी डी, यानी ए और सी का लेंथ है जो बी डी के बराबर है। सो गिवन क्या है एसी इक्वल टू बी डी, ये हमारा गिवन है। प्रूफ क्या करना है ए बी इक्वल टू सी डी, तो ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और बी डी को क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। अब देखो ये बी सी बी सी, सो ए बी इक्वल टू सी डी। ओके, इस चैप्टर में कोई डाउट हो या कुछ चीज रह गया आपको समझ ना हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसको भी बताने की कोशिश करूंगा, और कोई इंप्रूवमेंट हो तो जरूर सजेशन दें आप। ओके, थैंक यू सो मच।